नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज। मैं हूँ आपके साथ देवयानी चौबे। क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आईपीएल 2020 हुआ सस्पेंड, अब क्या होगा आईपीएल? इंडियन प्रीमियर लीग का यह सीजन फिलहाल टाल दिया गया है और ऐसे में सवाल यह है कि लीग का इस साल क्या होगा, खिलाड़ियों के साथ क्या होगा और फ्रेंचाइजी को क्या परेशानी हो सकती है। इंडियन प्रीमियर लीग को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। अगर T20 वर्ल्ड कप टाला जाता है तो इस विंडो में हो सकता है आईपीएल सितंबर में करवाने का विकल्प, लेकिन PCV डाल सकता है अड़ंगा। सितंबर में UAE में पाकिस्तान की मेजबानी में होना है एशिया कप। इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां सीजन COVID-19 वैश्विक महामारी के चलते अगली सूचना तक सस्पेंड कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपने इस प्रीमियम टूर्नामेंट के लिए कोई नई विंडो भी तय नहीं की है। इस टूर्नामेंट के लिए शुरुआती में 29 मार्च में 24 मई की तारीख तय की गई थी। बुधवार को आई मीडिया रिपोर्ट्स में आईपीएल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अमीन ने सभी 8 फ्रेंचाइजी को बताया है, चूंकि देश भर में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, ऐसे में आमतौर पर गर्मियों में होने वाले इस टूर्नामेंट का आयोजन इस विंडो में नहीं करवाया जा सकेगा। पिछले महीने जब सरकार ने 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया था, तब आईपीएल को 15 अप्रैल तक टाल दिया गया था। अगर मौजूदा हालात में देखें तो आईपीएल का आयोजन सितंबर से नवंबर के बीच में हो सकता है, बशर्ते क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद T20 वर्ल्ड कप की तारीख बदलने को राजी हो जाए। ऑस्ट्रेलिया में फिलहाल 6 महीने का ट्रेवल बैन चल रहा है जो 30 सितंबर को समाप्त होगा। अगर स्थिति सामान्य हो जाती है तो वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर में खेला जाएगा। एक अन्य विकल्प 6 हफ्ते का छोटा आईपीएल कराने का है, जो सितंबर में अक्टूबर के पहले हफ्ते के बीच करवाया जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष एहसान मनी ने जोर देकर कहा है कि वह आईपीएल के लिए सितंबर में यूएई में होने वाले एशिया कप को कैंसिल नहीं करेंगे। पिछले साल दिसंबर में आईपीएल 2020 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हुई थी, जिसमें फ्रेंचाइजी ने 140 करोड़ रुपए खर्च कर कुल 62 खिलाड़ियों को खरीदा था, लेकिन इस मुताबिक किसी भी आईपीएल खिलाड़ी को तब तक भुगतान नहीं होगा जब टूर्नामेंट शुरू ना हो जाए। नियमों के अनुसार फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों को 2 किस्तों में भुगतान करते हैं, टूर्नामेंट शुरू होने के 1 सप्ताह पहले और बाकी सीजन खत्म होने के बाद। फ्रेंचाइजियों को भी नुकसान कम नहीं हुआ, वो आईपीएल के कसमकस रेवेन्यू में काफी निर्भर करते हैं, इसमें प्रसारण अधिकारी भी शामिल है। आईपीएल के प्रसारण अधिकारी की बात करें तो स्टार इंडिया के साल 2017 में 5 साल के लिए इसे हासिल किया है। तब से लेकर फ्रेंचाइजी को इसके हिस्से में कम से कम 150 करोड़ रुपए देने का आश्वासन दिया गया है। इसमें एक बात जोड़ने चले, पूर्व क्रिकेटरों गौतम गंभीर और मदन लाल ने हाल ही में कहा है कि अगर इस साल आईपीएल नहीं होता है तो पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का भारतीय टीम में वापसी कर पाना मुश्किल होगा। आईपीएल के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।